क्या कहना चाहेंगे आज आपके हाथों से, नए साल की शुरुआत हो रही है, आखिरी दिन है और शूटिंग का दिन है और आपसे गिफ्ट दिए जा रहे हैं? मेरे तरफ से इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम कर रहा हूं, और एक ये अच्छा संकेत है जो प्रेम राय जी ने शुरू किया, और आज मेरे आतंकवादी फिल्म का लास्ट डे है, आज लास्ट डे गाना शूट हो रहा है और साल का अंतिम दिन है, तो बहुत कम ऐसे कम क्या आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है जो कि प्रेम राय जी ने किया, और हर प्रोड्यूसर को ऐसा करना चाहिए। हो सकता है जो साल के लास्ट दिन में किसी ने किया होगा, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये हमारे टेक्नीशियन के लिए अच्छी संकेत है, जो टेक्नीशियन ने इतनी ईमानदारी से काम किया हमारे आतंकवादी फिल्म के लिए। मैं अपने आतंकवादी फिल्म के टेक्नीशियन ग्रुप को, सारे ग्रुप जो भी ग्रुप मेरे टेक्नीशियन मेरे फिल्म आतंकवादी में काम किया है, मैं दिल से थैंक यू सबको बोलना चाहता हूँ कि आज वो लोग मेहनत नहीं किए होते तो शायद ये फिल्म इतनी जल्दी और इतनी अच्छी नहीं बनती। तो मेरे तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामना मेरे अपने टेक्नीशियन और मेरी पब्लिक को, जो मुझे प्यार करती है और जो मुझे चाहती है और जिनके वजह से मेरा स्टेडम बरकरार है। आज की अगर मूवी की बात करें, किस तरह की मूवी आप देखेंगे? अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मूवी किस तरह की, सबसे बड़ी की समय इंसान को क्या बना देता है ये आपको इसमें देखना आपको देखने को मिलेगा कि एक समय और एक इंसान की मजबूरी क्या से क्या बनाता है। हालात ऐसी चीज होती है कि जिसमें इंसान कुछ भी बनने पे मजबूर हो जाता है, वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसलिए मैं पहली बार इतना खतरनाक रोल किया हूँ जिसके लिए मुझे अपने बॉडी पे वर्क करना पड़ा, मुझे 12 किलो वेट अपना बढ़ाना पड़ा। मैं 60 का था लेकिन मुझे 78 केजी फिर मैं हुआ, तो 80 के आसपास मेरी वेट हुई, फिर इधर मैं कम कर रहा हूँ। तो मैं कम से कम 3 से 4 घंटे जिम करता था, और मैं रात को 10 बजे रात को भी आता था, तो मैं कम से कम 12 बजे तक जिम करता था, डाइट करना, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत खाना खाना पड़ता था मुझे। लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का हुआ हूँ, अभी थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ, पहले थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस टाइप का मेरा रोल हो उस रोल में मैं परफेक्ट करूँ और उतरने की कोशिश करूँ, उस हिसाब से मैं अपने वेट को और अपने बॉडी पे काम करता हूँ। ये फिल्म अपने आप में एक अलग है क्योंकि संभावना ने बोला कि री एंट्री है उसकी दोबारा, लोगों को ताकि फिल्मों में नहीं आएगी, तो उसके बारे में क्या कहना है संभावना के बारे में? मैं आपका सवाल समझा नहीं। संभावना सेठ जो आइटम सॉन्ग कर रही है, अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं री एंट्री मार रही हूँ बॉलीवुड में, इसी भोजपुरी में, लोगों को ताकि काम नहीं करेंगे, शायद शादी के बाद नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए, हमारी कहने का मतलब ये कि एक एक्टर जो होता है उसके शादी से कोई मतलब नहीं होती। कलाकार के शादी करने के बाद ऐसा नहीं कि कलाकारी मर जाता है, कलाकार तो कलाकार होता है, और कलाकार जो होता है वो एक पानी की तरह होता है, और पानी के बिना ज़िंदगी अधूरी होती है। एक कलाकार ऐसा चीज़ है कि वो ज़िंदगी में वो मरते दम तक एक्टिंग करना चाहेगा, चाहे उसकी शादी हो जाए या उसके बच्चे हो जाए, लेकिन हर वो कलाकार मरते दम तक चाहता है कि मैं मरते दम तक एक्टिंग ही करूँ बाकी दुनिया का, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे कला से है, हमें दुनिया का ऐसो आराम बहुत मिल जाए उससे हम उतना खुश नहीं होते हैं जितना हम अपने एक काम से खुश होते हैं। तो हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट रखता है, हमारे लिए शादी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम शादी करने के बाद अपने काम को छोड़ देंगे, क्योंकि जो कलाकार असली कलाकार है वो शादी के बाद अपने काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी जीवन उस कलाकारी से चलती है और वो जीता है। कलाकार ऐसा चीज़ होता है कि वो उसके जैसे ज़िंदगी किसी दुनिया में किसी की होती ही नहीं है, क्योंकि वो डेली इंजॉय करता है अपने जीवन को और वो पब्लिक की वजह से मिलती है। तो कहीं ना कहीं कलाकार जो है वो उसके खून में अगर कलाकारी है तो ऐसा नहीं करेगा, और री एंट्री का उन्होंने कभी अपने इस इंडस्ट्री को छोड़ा ही नहीं था। गुड डांसर, गुड नेचर, और मैं बहुत मानता हूँ इंडस्ट्री में उतनी अच्छी डांसर शायद कोई नहीं है जो कमाल की डांस करती हैं, और मेरा एक अच्छा रिश्ता है उनसे, और मेरी वेल विशर हैं, वो बहुत मानती हैं मुझे भी और बहुत प्यार करती हैं मुझे। नए साल की ढेर सारी शुभकामना मेरे तरफ से, 9 वर्ष की ढेर सारी कामना मेरे पब्लिक के लिए, मेरे हर उस टेक्नीशियन के लिए जो मेरे साथ काम कर मुझे चमकाने का काम करते हैं, मुझे यहाँ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मेरे तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामना कि आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ। थैंक यू।